Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल हादी फाउंडेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम सफ़ा नंबर 37 पे अच्छी बातों के फूल सीखेंगे। अच्छी बातों के फूल, अच्छी बातों के फूल। आइए इन अल्फाज को पढ़ने की मशक करते हैं। सबसे पहले जो लफ्ज़ हमें दिया गया है वो है अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। जज़ाकल्ला, जज़ाकल्ला। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब हम तस्वीर को गौर से देखेंगे और दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करके हम अपनी सरगर्मी को मुकम्मल करेंगे। सबसे पहली तस्वीर को देखिए। जब हम किसी से मिलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम के जवाब में दूसरा बंदा आपको वालेकुम सलाम कहता है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सलाम में हमेशा पहल करनी चाहिए, यानी जब भी आपको कोई इंसान मिलता है तो उसको अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। दूसरी तस्वीर को देखिए। दो बच्चे, उनकी आपस में टक्कर हो गई जिसमें से एक गिर गया। जब आपसे कोई गलती हो जाए ऐसी, तो आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो है माफ़ कीजिए। माफ़ कीजिए यानी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कीजिए। तीसरी तस्वीर को देखिए। एक बच्ची जिसके लिए अम्मी खाना लेके आई हैं, वो बच्ची अम्मी को जवाब में जज़ाकल्ला कहती है। जब भी आपको कोई चीज़ देता है या आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है जज़ाकल्ला। जज़ाकल्ला यानी अल्लाह आपको इस चीज़ का अजर दे। आखिरी तस्वीर को देखिए। उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है अल्लाह हाफिज़। जब आप किसी के घर जाते हैं या आपके घर कोई आता है, जब वो जाने लगता है तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो है अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये हमने कुछ अच्छी बातों के फूल सीखे, यानी कुछ अच्छी बातें सीखी जिन पर अमल करके हम बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं।